बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान है और वेलकम करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल स्कॉर्पिन गैंग के ऊपर। अच्छा जी, एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो टोटली एक स्पेसिफिक मशीन के रिलेटेड होने वाली है, जिसमें मैं आप लोगों को कम्प्लीट जो है उस मशीन की डिटेल्स दूंगा, अपना जो ऑनेस्ट रिव्यू है उस मशीन के बारे में मैं आपको वो दूंगा। वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग इस मशीन को लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, बहुत सारे लोग कमेंट में भी मेरे से पूछ रहे हैं और इसके अलावा व्हाट्सएप पे भी रब्ता करके इस मशीन के बारे में पूछते हैं। तो मैंने सोचा कि एक कम्प्लीट वीडियो इस मशीन के रिलेटेड बनाऊँगा, जिसमें मैं कोशिश करूँगा सारे पॉइंट्स कवर करूँ, जिससे आप लोगों को जो ये मशीन लेना चाह रहे हैं, फ्यूचर में अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी स्टार्ट है लेकिन ये मशीन भी लेना चाह रहे हैं, तो उनकी मुकम्मल रहनुमाई हो सके। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हमारी मशीन है जो मिनी ऑयल मशीन है। मैंने इसका मुख्तलिफ जो ऑयल एक्सट्रैक्शन है, तेल निकालने का जो प्रोसेस है मुख्तलिफ बीजों का, इस मशीन पे भी मैंने आप लोगों को डेमो दिया था। तो आप लोगों ने होप्सो वीडियोस देख ली होंगी, अगर नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर जाके पुरानी वीडियोज़ में देख सकते हैं इस मशीन से ऑयल निकलने का जो प्रोसेस है। तो आगे बढ़ते हैं, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। उससे पहले जो नए आने वाले व्यूअर्स हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो है मैं आप लोगों को मशीन का कुछ ओवरव्यू दूंगा कि मशीन जो है वो दिखती किस तरह की है, आप लोग जब मशीन ख़रीदेंगे तो आपको इसके साथ क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, तो वो मैं आप लोगों को पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, तो ये हमारी मशीन है, इसका जो फ्रंट पे आपको लुक नज़र आ रही है इस तरह की इसकी लुक है। तो सामने कुछ कंट्रोल्स हैं हमें मिल जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ कंट्रोल हैं जहाँ से ये ऑन ऑफ होगी, इसकी हीट कंट्रोल होगी और इसकी जो स्पीड है वो हम कंट्रोल कर सकेंगे। तो मशीन की अगर बात करें, आप लोग मशीन अगर ख़रीदते हैं तो याद रहे कि आप लोगों को जो येलो पार्ट नज़र आ रहा है मशीन का, आप लोगों को सिर्फ ये येलो कलर की मशीन मिलेगी। नीचे जो हमने ये स्टैंड बनवाया है ये हमने खुद बनाया है एक्स्ट्रा। तो मशीन के साथ जो एक्सेसरीज़ हमें मिलती हैं उनमें आप लोगों को कुछ ज़्यादा कुछ नहीं मिलता देखने के लिए, उसमें हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं यहाँ पर, जिस तरह के हमारे पास एक ये टूल मिल जाता है इसको खोलने के लिए और इसकी मेंटेनेंस के लिए हमारे काम आता है। और जो दूसरी मेन चीज़ है, हमारे पास इस तरह के कुछ स्क्रूज़ हैं, नट हैं, इस तरह के मिल जाते हैं जो इसके आगे अटैच होते हैं। इनका इस्तेमाल ये है कि हमने मुख्तलिफ चीज़ों का ऑयल निकालना है, तो ये हमें डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ का ऑयल निकाल रहे हैं। अब जैसा कि हम किसी नरम चीज़ है, कोई छोटा बीज है जिसका हम ऑयल निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हम ये बारीक वाला जो नट है वो यूज़ करेंगे। और इसी तरह अगर हम किसी हार्ड चीज़ का ऑयल निकाल रहे हैं, जिस तरह बादाम है, तो उसके लिए हम ये मोटा जो नट है ये यूज़ करेंगे, या कोकोनट के लिए भी यही यूज़ होता है। तो इनका मकसद सिर्फ ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मशीन का जो ओवरव्यू है आप लोगों ने देख लिया है, सिर्फ हमें ये दो तीन किस्म की एक्सेसरीज़ के साथ मिलती हैं और सिंपल ये मशीन है। इसके अलावा आप इसकी मोटर देख सकते हैं, सिंगल फेज़ मोटर है, 4 हॉर्स पावर की मोटर आप लोगों को मिलती है इस मशीन के साथ। और ये टोटल मशीन है, इसकी लेंथ और हाइट वगैरह आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिल्कुल छोटी सी मशीन है। और फ्रंट पे आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ से हमारा ऑयल है इस मशीन में निकलता, और यहाँ पर हमारा जो नट मैंने आपको पहले दिखाया है, यहाँ पर वो नट अटैच होता है। इसके अलावा अगर अंदर की बात करें तो नीचे आप लोगों को इसका वर्म भी नज़र आ रहा है। तो ये हमारी कम्प्लीट मशीन है। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी मज़ीद तफसील के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। जी, मशीन का जो ओवरव्यू है मैंने आप लोगों को दे दिया है, आप लोगों ने देख लिया कि कितनी सिंपल है मशीन, और ज़्यादा कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं है, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ एक्सेसरीज भी इसके साथ नहीं मिलती, तो सिंपल सी मशीन है। ये तो पहला पॉइंट है जो आप लोग अगर लेना चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, ये इस तरह की मशीन है। और ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि इस मशीन का रेट थोड़ा ज़्यादा है। आप लोग ये बड़ी मशीन देख रहे हैं मेरे पीछे ऑयल एक्सपेलर, ये देखने में उससे बहुत बड़ी है, लेकिन ये उससे आधी कीमत में मिल जाती है आप लोगों को, लेकिन वो इतनी छोटी सी मशीन है। बहुत सारे लोग ये भी मेरे से पूछ रहे हैं कि इसमें ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या खासियत है कि इस मशीन की प्राइस इतनी हाई है। मशीन की जो प्राइस है वो तो हाई है, लेकिन मशीन आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सी मशीन है और छोटी सी मशीन है। अब आ जाते हैं इस मशीन की मज़ीद तफसील की तरफ। इस मशीन में और जो आम हम दूसरी मशीनें देखते हैं नॉर्मली, उनमें क्या फ़र्क है ज़्यादा? तो इस मशीन में जो बहुत बड़ा फ़र्क है, जो मेजर फ़र्क है, जो इसको दूसरों से अलग करता है, वो ये है कि हम
जिस तरह की आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने आप लोगों को ऑयल एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस दिखाए हैं, ऑयल एक्सपेलर के भी, और अगर आप लोग एक पुरानी मशीन यूज़ होती है जिसे कोलू कहते हैं, तो वो गोल घूमने वाला जो ज़मीन में लगता है, तो उन दोनों में और इसमें फ़र्क ये है कि उनमें हमें पानी यूज़ करना पड़ता है, थोड़ा सा मॉइस्चर, थोड़ी सी नमी देनी पड़ती है बीज को, तो फिर हमारा ऑयल का प्रोसीजर है वो जो स्टार्ट होता है बीज का। लेकिन इस मशीन में वाज़े फ़र्क ये है कि इसमें आप लोगों को किसी किस्म की कोई नमी यूज़ नहीं करनी पड़ती, इसमें एक हीटर सिस्टम मौजूद है जो बीज को हीट दे के नरम करता है और आप लोगों का ऑयल निकल आता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि कोई नमी यूज़ नहीं हो रही, तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों का जो ऑयल है उसकी एवरेज जो है वो थोड़ी बहुत इफ़ेक्ट ज़रूर होगी। अब उसकी एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ कि अगर आप एक्सपेलर में ऑयल निकाल रहे हैं, जो ऑयल एक्सपेलर बड़ी मशीन है, अगर आप लोग ऑयल निकाल रहे हैं तो आप लोगों के पास एवरेज जो है 40 केजी की, मैं अगर लगा लूँ सरसों की एवरेज, तो 40 केजी सरसों में से हमारे पास वहाँ पर 13 से 13.5 किलो ऑयल जो है वो निकल आता है। लेकिन इस मशीन की जहाँ तक बात करें तो इस मशीन में हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 11 केजी तक आएगा या 11.5 तक भी आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा इसकी एवरेज नहीं आएगी। यहाँ तक इसकी एवरेज की बात हो चुकी है, तो अगर इसकी एवरेज कम आई है तो इसकी ऑयल की जो क्वालिटी है वो क्वालिटी जो आम एक्सपेलर में हम जो बीज को नमी दे के ऑयल निकालते हैं उससे बहुत ज़्यादा बेहतर होती है। उसकी वजह यह कि इसमें हमने कोई मॉइस्चर यूज़ नहीं किया, बिल्कुल ड्राई जो बीज होता है, पुराने से पुराना सरसों जो है वो हम यूज़ करके उसमें से ऑयल निकाल रहे हैं, बिल्कुल नमी नहीं है ऑयल में, ना बीज में नमी थी ना ऑयल में नमी है, तो इसका ऑयल जो है वो ज़्यादा देर तक हमारे पास उसको रख सकते हैं, 2 साल भी पड़ा रहे तो ऑयल जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो इसको, इसका जो ऑयल है उसे हम 100% प्योर कह सकते हैं। अगर हम एक्सपेलर की बात करें तो इसके ऑयल को अगर हम 99% प्योर कह रहे हैं तो ये 100% प्योर है। तो ये तो हमारी ऑयल की क्वालिटी का फ़र्क हो गया, एवरेज का फ़र्क मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मेन बात ये है कि ये मशीन अगर आप लोग सरसों के लिए लेना चाह रहे हैं, मेन आप लोग सरसों का काम करना चाह रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक बहुत अहम पॉइंट है वो आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो ये है कि इस मशीन में एवरेज जैसा कि मैंने आपको बताई है कम निकली है, तो आप लोगों को इस मशीन का ऑयल जो है वो ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा रेट पर बेचना पड़ेगा। ज़्यादा रेट पे बेचने की वजह यह है कि एक तो आपके पास एवरेज कम आई है, दूसरा आपका जो इसमें से ऑयल निकला है उसकी क्वालिटी जो है दूसरे एक्सपेलर वाले ऑयल से थोड़ी सी बेहतर है, तो इसका रेट तो आप लोगों को जो ज़्यादा रखना पड़ेगा। अब मैं आप लोगों को मिसाल दे देता हूँ, हमारे पास जो है एक्सपेलर का ऑयल सेल हो रहा है 550 रुपये केजी, अब इस मशीन का जो ऑयल है हमारे पास सेल हो रहा है 700 रुपये केजी, तो इतना फ़र्क आप लोगों को देखने में मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने ये मशीन लेनी है तो सबसे पहले आप लोगों ने जो पॉइंट है वो नोट करना है कि आप लोग किस एरिया में हैं, आप लोग किसी बड़े शहर में हैं या छोटे शहर में हैं, या आप लोग जहाँ पे ये काम करना चाहते हैं वो पॉइंट कैसा है। अगर तो आप लोगों के इर्द गिर्द देहात हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतनी बड़ी प्राइस जो है वो पे नहीं कर सकते, तो फिर आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी सरसों, ख़ास तौर पर सरसों का ऑयल जो है वो इस मशीन में से निकालेंगे तो उसे सेल करने में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर आप बड़े शहरों में हैं तो बड़े शहरों में आप लोगों के पास इस तरह के कस्टमर्स आप लोगों को मिल जाते हैं जो आप लोगों को इतनी प्राइस पे करते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को इस तरह का कोई भी मसला नहीं होगा। यहाँ तक तो बात कर ली हमने सिर्फ सरसों की इस मशीन में, लेकिन इस मशीन की जो खासियत है वो ये है कि इसमें आप 25 से 30 इकसाम के जो बीज हैं सिर्फ एक इसी मशीन में, इसमें कोई चेंजिंग आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो मैंने नट आप लोगों को दिखाए हैं स्टार्टिंग में उसको एडजस्ट है आप लोगों ने कौन सा नट यूज़ करना है, तो आप लोग 25 से 30 किस्म के जो बीज हैं उनका ऑयल इस एक मशीन में निकाल सकते हैं। तो ये इस मशीन का जो है एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इसमें जो मैंने एरिया का बताया आप लोगों को कि कौन से एरिया में आप काम कर रहे हैं वो सिर्फ सरसों के लिए है, लेकिन अगर आप किसी और बीज या बाकी सारे बीज जो हैं उनका ऑयल का काम करना चाहते हैं तो आप किसी भी जगह पर कर सकते हैं, आप लोगों को ये मशीन बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। अब फॉर एग्जांपल इस मशीन में आप लोग बादाम का, नारियल का, तिल, अलसी, सरसों, इसके अलावा कलवंजी, सौंफ, इस तरह की जो बहुत सारे बीज हैं जिनमें से ऑयल निकलता है, तो आप लोग इसी एक मशीन में उन सारी चीज़ों का जो है सारे बीज जो है उनका ऑयल एक मशीन में निकाल सकते हैं, तो ये आप लोगों के पास एक प्लस पॉइंट रहेगा। अच्छा जी, यहाँ तक हमने बात कर ली है इसकी ऑयल की क्वालिटी की, इसके प्लस पॉइंट क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ जो है उससे बचना है, कौन कौन सी चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है इस मशीन को लेने से पहले, तो
मज़ीद बढ़ते हैं तो इस मशीन की बात करते हैं। सिंगल फेज़ इसकी मोटर है, सिंगल फेज़ यानी कि हम घर पे भी इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं, ये मशीन घर पे सेटअप कर सकते हैं। तो इसी यही मेन वजह है कि बहुत सारे लोग इस मशीन को लेना चाहते हैं, उनकी कोशिश होती है कि घर पे ही हम लगा लेंगे और उन लोगों को स्पेशली थ्री फेज़ का कनेक्शन नहीं लेना पड़ेगा और उनकी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट बच जाएगी। तो जो मेन पॉइंट थे मैंने आप लोगों को बता दिए कि अगर आप लोग सरसों का करना चाहते हैं इस मशीन पे, सिर्फ़ और सिर्फ सरसों के लिए लेना चाहते हैं, तो आप लोगों को जो मैंने मेन पॉइंट बताया आप लोगों ने उस पॉइंट को ध्यान में रखना है। और अगर आप दूसरा इसका जो प्लस पॉइंट मैंने आपको बताया, बहुत सारे बीजों का ऑयल निकलता है, तो आप लोग अगर उन सब का भी करना चाहते हैं इस मशीन में तो आप लोग किसी भी जगह पर कर सकते हैं, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरा इस मशीन के बारे में रिव्यू, मैंने इस मशीन को यूज़ किया है, मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इस मशीन से काफ़ी कुछ सीखा है, बहुत सारी चीज़ें मुझे इस मशीन के बारे में पता चली हैं। तो मैंने कोशिश की है कि मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों को पहले से बता दूं। तो जो लोग इस मशीन को लेना चाहते हैं उनको मैंने गाइड करने की कोशिश की है कि आप लोग बेटर डिसीजन ले सकें अपने लिए, ताकि जो इस मशीन के फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, कुछ भी है, आप लोगों को पहले से पता हो तो आप लोग अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो होप सो आप लोगों ने वीडियो को कम्प्लीटली देखा होगा, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, आप लोगों के फ़ायदे की चीज़ें होंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।